गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग स्टोरी राइटिंग को कैसे कंप्लीट किया जाता है, दिए गए संकेत के माध्यम से कैसे हम कहानी को पूरा करेंगे, यह राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है। राइटिंग स्किल्स में विभिन्न प्रकार के प्रश्न, एप्लीकेशन है, लेटर है, एसे है, आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है और स्टोरी राइटिंग। बाकी चीजों की चर्चा पहले हो चुकी है। यहाँ स्टोरी राइटिंग की बात, स्टोरी के लिए आउटलाइन दिया गया होता है, रूपरेखा दी गई होती, कुछ संकेत दिए गए होते हैं, उन संकेत के आधार पर आपको उस कहानी को पूरा करना होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ दी फार्मर एंड दी स्नेक, किसान और सांप के बीच की कहानी दी गई। जो भी कहानियां पूछी जाती है वो अलग अलग प्रसिद्ध या प्रचलित कहानियां होती है कि आप उसके विषय में कहानी का निर्माण कर सकें। आउटलाइन यानी संकेत दिया गया, एक काइंड फार्मर मतलब एक कोई दयालु किसान रहा होगा। सेज स्नेक, वो सांप देखता है, हाफ डेड, लगभग आधा मर चुका है विथ कोल्ड ठंडक। इसका मतलब एक किसान है जो काफी दयालु है, जट ठाड़ने का मौसम है और एक सांप लगभग आधा मर चुका है। टेक्स्ट पीटी, किसान दया करता है, keeps it near fire, गेम में उसे उठाकर ले जाता है, घर ले जाता है, आग के पास रखता है और उसे दूध पीने को देता है। The snake survives, सांप जिंदा हो जाता है। Farmer's son, किसान का पुत्र। The snake rushes to bite him, सांप उसे काटने के लिए दौड़ता है, किल्स मार देते। मतलब कहानी आपकी अब यह बन गई कि एक दयालु किसान है, वो अपने खेतों की तरफ से वापस घर लौट रहा है तो उसने देखा कि ठंडक के कारण एक सांप मरा हुआ पड़ा था, यानी सड़क के किनारे ठंडक के कारण एक सांप पड़ा हुआ था, लगभग वो आधा मर चुका था। किसान को उसके ऊपर दया आई, वह उसे सांप को अपने घर ले गया और उसे आग के नजदीक ला करके रखा, आग सेंका। कुछ मिनट के बाद सांप को धीरे धीरे जीवन वापस लौटने लगा, मतलब हिलने लगा। किसान ने उसे दूध पिलाया, सांप ठीक हो गया। सांप ने दूध पिया और ठीक हुआ। अब सांप काफी मजबूत हो गया था, इधर उधर हिलने डुलने लायक, चलने लायक हो गया था। किसान का एक पुत्र था जो 7 वर्ष का था या छोटा था, वह सांप के पास गया। सांप उसको काटने के लिए झपटा, सांप का स्वभाव है काटेगा। किसान को गुस्सा आया, डंडा उठाया और उसने सांप की हत्या कर दी। अब उसी पर कहानी डाल दी गई, कहानी को निर्माण कर देते हैं। वन डे इट वाज वेरी कोल्ड, एक दिन बहुत ठंडक थी। देखिए यहां था एक काइंड फार्मर, देखिए कहानी को आगे से शुरू करेंगे ना। वन डे, एक दिन, इट वाज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडक थी। ए फार्मर वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फील्ड, एक किसान अपने खेत से वापस लौट रहा था। ए फार्मर वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फील्ड, एक किसान अपने खेत से वापस लौट रहा था। ही सॉ ए स्नेक लाइंग ऑन द रोड, सड़क के किनारे उसने एक सांप पड़ा हुआ देखा। अब कोई जरूर नहीं है किसने किसे, आउटलाइन में कहीं रोड नहीं आया, फील्ड नहीं आया, आप कोई सब जबरदस्ती नहीं कि सारे लोग एक ही तरह की कहानी लिखेंगे। कोई यह भी तो कह सकता है ना कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, जाड़े का मौसम था, उस दिन भीड़क भीषण ठंडक थी, तभी अचानक उसे खेत के अंतर्गत एक सांप दिखाई दे। वहां भी तो देख सकता है खेत के अंदर, या यह कह सकता है खेत में नहीं काम कर रहा था, एक किसान अपने खेतों को जा रहा था, टहल रहा था। मतलब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो। करा रिटर्निंग होम फ्रॉम स्टेट, वह खेत से लौट रहा था। ईसा ए स्नेक लाइंग ऑन द रोड,
सड़क के किनारे पर यानी सड़क पर उसने एक सांप को पड़े हुए देखा। इट वॉज हाफ डेड विथ कोल्ड, ठंडक से वो आधा मर चुका था। द फार्मर टुक पेटी ऑन इट, किसान को इसके ऊपर दया आ गई। द फार्मर टुक पेटी ऑन इट, किसान को इसके ऊपर दया आ गई। ही ब्रॉट द स्नेक, वो सांप को ले आया। ही ब्रॉट द स्नेक टू हिज होम, अपने घर ले आया। एंड पुट इन नियर द फायर, और इसे आग के पास रख दिया। एंड पुट इन नियर द फायर, सांप को आग के नजदीक रखा। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द स्नेक बिगन टू मूव, सांप हिलने डुलने लगा। कुछ ही मिनटों में, इन ए फ्यू मिनट्स, द स्नेक बिगन टू मूव, सांप हिलने डुलने लगा। द फार्मर गेव इट सम मिल्क, किसान ने इसे कुछ दूध दिया। द फार्मर गेव इट सम मिल्क, किसान ने इसे कुछ दूध दिया। द स्नेक ड्रैंक द मिल्क, सांप ने दूध पिया। द स्नेक ड्रैंक द मिल्क, सांप दूध पिया। नाउ इट वॉज स्ट्रांग एनफ, अब यह काफी ताकतवर हो गया था। नाउ इट वॉज स्ट्रांग एनफ, अब यह काफी ताकतवर था। टू मूव हियर एंड देयर, इधर उधर हिलने लायक, चलने लायक, यह काफी ताकतवर हो गया था। द फार्मर हैड ए सन, किसान का एक पुत्र था। द फार्मर हैड ए सन, किसान के पास एक पुत्र था। ही वॉज ओनली सेवन, वह केवल 7 वर्ष का था। अब की जोड़ी थोड़ी है कि सब आपको 7, कोई लिख देगा 5 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। He went near the snake, वह लड़का सांप के पास गया। He went near the snake, लड़का सांप के पास गया। The snake rushed to bite him, सांप उसे काटने के लिए झपटा दौड़ा। The snake rushed to bite him, सांप उसे काटने को दौड़ा। The farmer got angry, किसान नाराज हो गया। The farmer got angry, किसान नाराज हो गया। He took a stick, उसने एक छड़ी उठाई। He took a stick, उसने छड़ी लिया। And killed the snake, और सांप को मार दिया। And killed the snake. दूसरी कहानी है the frog and the boys, मेंढक और लड़के। the frog and the boys, अब यहां आप देख रहे हैं फ्रॉग को, फ्रॉग्स कर लेते हैं बहुवचन। संकेत दिया है फ्रॉग्स क्रोकिंग, क्रोकिंग मेंढकों का टर्राना, ए पॉन्ड यानी तालाब के अंतर्गत मेंढक टर्राते हैं। बॉयज हियर, लड़के उनकी आवाज सुनते हैं। थ्रो स्टोन, पत्थर फेंकते हैं। वन प्ले, एक खेल है। प्ले टू यू, तुम्हारे लिए खेल है। डेथ टू अस, मेरे लिए हत्या है। स्टार्ट थ्रोइंग स्टोन, पत्थर फेंकना शुरू करता है। यानी ये आउटलाइन आपको मिल गई कि एक तालाब है, उसमें मेंढक है, टर्रा है, नजदीक में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे जब मेंढक की आवाज सुनते हैं तो उन्हें मनोरंजन का साधन मिलता है। वह तालाब के पास आते हैं और पत्थर उठा के फेंकना शुरू करते हैं तालाब में। मेंढकों को चोट लगती है। मेंढक पूछते हैं कि तुम लोग पत्थर क्यों फेंकते हो। लड़के कहते हैं कि हम लोग तो खेल हैं, हम अपना खेल खेल रहे हैं। तो उस पर जवाब मेंढक देते हैं कि जो चीज तुम्हारे लिए खेल है वो हमारे लिए मौत का कारण है। लड़के इस बात को समझ जाते हैं और पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं। वही कहानी यहां दी गई है। देयर वॉज ए पॉन्ड, एक तालाब था। देयर वॉज ए पॉन्ड, एक तालाब था। इन इट मेनी फ्रॉग्स वर क्रोकिंग, इसमें
बहुत सारे मेढक टर्रा रहे थे। इन इटिस में मेनी फ्रॉक्स वेयर क्रोकिंग, इसमें बहुत सारे मेढक टर्रा रहे थे। ए फ्यू बॉयज वेयर प्लेइंग नियर बाय, कुछ लड़के नजदीक ही खेल रहे थे। ए फ्यू बॉयज वेयर प्लेइंग नियर बाय, कुछ लड़के नजदीक ही खेल रहे थे। दे हर्ड द फ्रॉक्स क्रोक, दे हर्ड द फ्रॉक्स क्रोक, उन्होंने मेढकों को टर्राते हुए सुना। दे हर्ड द फ्रॉक्स क्रोक, उन्होंने मेढकों को टर्राते हुए सुना। दे बिगन टू थ्रो स्टोन्स, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। दे बिगन टू थ्रो स्टोन्स, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। एट द फ्रॉक्स, मेढक के ऊपर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। दे बिगन टू थ्रो स्टोन्स एट द फ्रॉक्स, मेढक पर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। द फ्रॉक प्रोटेस्टेड, एक मेढक ने विरोध किया। द बॉय सेड, लड़कों ने कहा, वी डोंट मीन, हमारा यह मतलब नहीं है। वी डोंट मीन टू हार्म यू, वी डोंट मीन टू हार्म यू, हमारा मतलब तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं है। वी आर ओनली प्लेइंग, हम तो केवल खेल रहे हैं। दे फ्रॉक सेड, मेढक ने कहा। दे फ्रॉक सेड, मेढक ने कहा। टू दी बॉयज, दी फ्रॉक सेड टू दी बॉयज, मेढक ने लड़कों से कहा, व्हाट इज प्ले टू यू, जो आपके लिए तुम लोगों के लिए खेल है। व्हाट इज प्ले टू यू, जो तुम लोगों के लिए एक खेल है। इज डेथ टू अस, वही खेल हमारे लिए मौत है। दी बॉयज स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट दी फ्रॉक, लड़कों ने मेढकों के ऊपर पत्थर फेंकना बंद कर दिया। दी बॉयज स्टॉप्ड थ्रोइंग स्टोन्स एट दी फ्रॉक, लड़कों ने मेढक पर पत्थर फेंकना बंद कर दिया। तो इस तरह से आउटलाइन के आधार पर दी गई कहानी को दिमाग में बना करके और उसे पूरा कर देते हैं। थैंक यू।